आज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड मेडिकल सेल्स एसोसिएशन के बैनर तले विभिन्न मेडिकल क्षेत्र में काम करने वाले लोगों ने आज एक दिवसीय प्रदर्शन करके प्रशासन के माध्यम से केंद्र सरकार को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में कहा गया कि सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के तहत देश भर के समस्त श्रम कानूनों की आचार संहिता को बदलकर मालिकों को दमन करने का अधिकार दे दिया गया है। उद्योगों में से छटनी का अधिकार, काम के घंटों को 8 से 12 घंटों का बदलाव आदि बदलाव किए जा रहे हैं। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि श्रम कानून में हुए बदलाव को वापस लो, दवाओं के ऑनलाइन बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाओ, दवाओं के दाम कम करो और जीएसटी से बाहर करो, बिजली कानून 2020 को वापस लो आदि इन सब मांगों के साथ उत्तराखंड उत्तर प्रदेश मेडिकल एंड सेल्स प्रतिनिधियों ने प्रदर्शन किया। हम लोग उत्तर प्रदेश मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आज 8 तारीख को हम पूरे देश के अंदर विरोध दिवस मना रहे हैं। इस विरोध दिवस में हमारी डिमांड्स हैं, हमारी जो मुख्य मांगे हैं, अभी मोदी सरकार ने 456 श्रम कानूनों को बदल के 4 श्रम संहिताओं में तब्दील किया है, जिसकी वजह से हम लोग के ऊपर बेरोजगारी मालिकों का अटैक बढ़ता चला जा रहा है। आने वाले समय में मालिक और अटैक करेंगे, तो हमारी डिमांड है इन श्रम विरोधी कानूनों को, जो आपने 4 श्रम संहिताएँ लागू करी हैं, तुरंत वापस लें। इसके साथ ही साथ किसानों के आंदोलन को हम समर्थन देते हैं और ये तीनों किसानों के जो बिल लागू किए हैं ये भी वापस होने चाहिए। साथ ही साथ बेरोजगारों के लिए रोजगार, न्यूनतम 7,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता और 10 किलो अनाज प्रत्येक परिवार को प्रत्येक माह मिलना चाहिए, ये हमारी मुख्य मांगे हैं।